साफ बोल रहे हैं अभी जी, मुझे तो हजरत उनका नाम, अरे ये मेरे भाई बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हो रही थी, आप क्यों चले गए? आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझसे बात करिए खान भाई। हाँ हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ बोले तो सही, मेरी बात ही नहीं कर रहे ना, वो मेरे से बात ही नहीं कर रहे। बात कीजिए ना मुफ्ती साहब, बात कीजिए। जी जी, क्या मसला है मुफ्ती साहब? ये बात ये कह रहा था मौलाना, रफ़ यदैन और अदम रफ़ यदैन की बात चल रही है। हाँ हाँ जी जी, मुझे मौलाना, हाँ मेरा कहना ये है कि रफ़ यदैन जो हजरात करते हैं, हाँ वो हजरात भी अपनी नमाज को दुरुस्त करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो हराम कर रहे हैं। जी जी, सुन रहे बात से तवज्जो से? जी जी बिल्कुल सुन रहे। जी जी, और जो लोग रफ़ यदैन नहीं करते हैं वो भी जायज हैं अपनी जगह पर। जी जी, ये कैसे जायज हो गया? इसमें आपको क्या करना ये बताइए पहले। हाँ नहीं, ये जायज कैसे हुआ, इसकी वजाहत करें ना। उसकी वजाहत इस अन अलकमा काल अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये हदीस तो आप बाद में दीजिएगा ना, सिर्फ आप अपना मौकिफ उन अल्फाज में बताइए ना कि किन वजूहत की वजह से जायज हो गया। मौकिफ इन वजूहत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो ना, मैं जरा इनसे मौना से बात कर रहा हूँ। मैं मौकफ में इसलिए वजाहत कर रहा हूँ, हजरत थोड़ा सा काम अभी तक नहीं आएगी बात। मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक अदना दारुल देवबंद का अदना तालिब इल्म हूँ, मैं ज्यादा मालूमात नहीं रखता। मैंने तो अहादीस जो पढ़ी है उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद अहादीस में ये बात वाज होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रफ़ यदैन नहीं फरमाते थे। जी हजरत मौलाना, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुजूर ने हमारे लिए सबसे बड़े पेशवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जी जी, अच्छा मतलब इसमें आपने असल में जो मुकम्मल आपने जो मौकफ बताया ना शेख, उसमें जो असल पहलू है आपने वो नहीं बयान किया। जी आपने अभी जो अपना मौकफ बताया है इसमें जो असल पहलू है आपने वो बयान नहीं किया। मैंने तो बता दिया ना, मेरा तो इसी पर बात हो रही है कि जो लोग रफ़ यदैन नहीं करते हैं उनकी नमाज भी दुरुस्त हो जाती है। अब मैं अपना मौकिफ बताता हूँ, मैं अपना मौकिफ बताता हूँ, मैं अपना मौकिफ बताता हूँ, शायद आपको बात समझ में आए। ये हमारे शेख मोहतरम ने अभी, जो मैं तो नाम नहीं जानता शेख का, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे, इनके शौक में इजाफा करे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप ही के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप ही के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप ही के लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह आपके शौक को बढ़ाए, आपके इल्म में इजाफा करे। देखिए मसला ये है कि दलाइल की रोशनी में, किताब सुन्नत से जो दलाइल हमारे सामने आते हैं, नमाज के मसले में सल्लु कुमारा आई तुमूनी सल्ली, उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। तो एक मुसलमान की हमेशा ये जस्तुजू होना चाहिए कि वो वही अमल करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो इबादत, क्योंकि इबादत अगर नबी से साबित नहीं होगी तो वो कबूल भी नहीं होगी और कलमा भी दुरुस्त नहीं होगा आदमी का। अगर उसे अपना कलमा दुरुस्त करना है, सुना रहा हूँ आपको पढ़ के अल्फाज़े हदीस जल्दी सुना रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं मौकिफ तो बयान कर दूँ पहले, मैं मौकिफ तो बयान कर दूँ। तो हमारा मौकिफ जो ये है कि अपना मैं क्या बोल रहा था, जहन से निकल गई बात, कि आराम से बोलिए, कोई जल्दी मुझे भी जल्दी नहीं है। मतलब हम हमारी इबादत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होना चाहिए, और अगर इबादत नबी के तरीके पर नहीं होगी तो कलिमा दुरुस्त नहीं होगा, कि उस कलमे के जो तकाजे हैं। अगर मैं जो अहादीस सुना रहा हूँ, ये मैं आ रहा हूँ ना, उसपे आ रहा हूँ ना, मैं उससे आ रहा हूँ ना। असल पहलू जो है कलमा तौहीद है ना, तौहीद दुरुस्त नहीं होगी तो आपकी नमाज आपकी किस काम आने वाली। जी तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला की वैधानियत रुबूबियत उलूहियत असमा सिफात को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताए हैं उस तरह मानने को। तो कलमे के जो तकाजे हैं उसमें एक तकाजा ये है कि इबादत उस तरीके पर की जाएगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरू। अब चूंकि रफ़ यदैन का मसला जो हमारा मसला है इसमें इख्तलाफ चला आता है अहदीसों की बुनियाद पर, लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने मोहतरम ने जो मौकफ पेश किया उसने एक बात को छोड़ दिया या भूल गया या बता नहीं पाए, वल्लाह आलम क्या बात थी। हाँ। कि आपने मुफ्ती साहब ने जो मौकफ बयान किया है वो असल में ये मौकफ नहीं है जो अहले सुन्नत का है, आपने वो मौकफ बयान किया है जो अहनाफ का है, कि हम वही हदीस को लेंगे जो हमारे इमाम साहब ने बताई है
और वो नहीं लेंगे जो इमाम साहब ने नहीं बताया। तो इसमें एक पहलू मुनकिरीन हदीस का भी पाया जाता है, इनकार हदीस का एक पहलू आ जाता है, क्योंकि शर्त लगा दी गई हदीस तभी लेंगे जब इमाम बताएगा। ये तो कोई उसूल नहीं है, ये तो मुनकिरीन हदीस का उसूल है, तो हमें इससे बचना चाहिए। अब रफुलदैन के मसले में जो मसला है एकदम वाज़ह है कि रफुलदैन की रिवायतें सहाबा इकराम से बेशुमार साबित है। अगर अहनाब जिस तरह हदीसें गिनते हैं, उनके गिनने से अगर उनके तरीके से गिना जाएगा तो 400 हदीसें रफुलदैन करने की है। अगर मौलाना के मैं उसी पे आ रहा हूँ ना कि रफुलदैन करने की बेशुमार अहादीसें जैसे अहनाब गिनते हैं, अगर उनके गिनने के उसूल से हम गिनेंगे तो 400 हो जाएगी। और अहनाब जो रफुलदैन ना करने की हदीस देते हैं और गिनते हैं, वो अहनाब के उसूल से तकरीबन 35 है। लेकिन अगर अहनाब को उसूल छोड़ दिया जाए और हम अपने तरीके से उसको गिने तो वो मुश्किल से 6 या 7 हदीस है, जिसे वो एक हदीस को 3-3, 4-4 बार गिन लेते हैं। अब जब अहादीस में अहादीस के मसले में हम मुहद्दिसीन के मोहताज हैं कि अहादीस पर पेश सनद कैसी है, उस पर क्या कलाम है, वो रिवायत सही है कि नहीं। इमाम ओनीफा के शागिर्द मेरी बात, मैंने मुकदमा मिश्कात भी पढ़ रखी है और दारुल देवबंद वो इदारा। मेरा मौके पूरा होने दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा। मेरा मौके बस खत्म होने वाला है, मेरा मौके खत्म ही होने वाला है कि जब अहादीस हमारे सब दोनों तरफ की आती है कि रफुलदैन करने की भी और नहीं करने की भी, और अहादीस के मसले में हम जैसे कि मौलाना भी इत्तेफाक रखते हैं कि मुहद्दिसीन के मोहताज हैं, कि हदीसों पे कलाम है क्या है वो कौन बताएगा मुहद्दिसीन। जैसे कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं कि हदीस लेने से पहले देखो कि तुम किससे हदीस ले रहे हो, हदीस लेने से पहले हदीस की, हदीस लेने से पहले उसकी सनद देखो। अगर हुजूर अलैहि सलातो व सलाम फरमाते ना मन कजी जो अलैहि मुतअम्मिदन फकद बवा मक़अदहु मिन النار। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वजाहत फरमा दी, आपकी बात का तो खुलासा निकल गया, अब आगे फरमाएं आप। हाँ, तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि हदीस देखने से पहले उसकी सनद देखो, अगर सनद दुरुस्त ना हो तो हदीस में धोखा ना पाओ। अब जैसे कि जैसे शेख जो अहनाब जो अहदीस से पेश करते हैं उन पर मुहद्दिसीन इकराम ने कलाम किया है, वो रिवायत सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। खुद इमाम तिर्मिजी ने सुनन तिर्मिजी में जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायत लाई है तो उससे पहले ही कह दिया है कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि हदीस साबित नहीं तरके रफुदैन की। हदीस को आप क्या मानते हैं मौलाना, काबिल हुज्जत है कि नहीं? हाँ, सही रिवायत हर जगह काबिल हुज्जत है, बस तो फिर सही रिवायत जी। इमाम तिर्मिज़ी ने वो हदीस लाने से पहले उसके ऊपर कलाम कर दिया है कि रिवायत साबित नहीं। अब जो लोग ये धोखा खाते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी ने इसको हसन कहा है, तो याद रखिए इमाम तिर्मिज़ी मुतसाहिल हैं सही हसन कहने में, आप एकदम बात को वो कहते ही नहीं है बल्कि मुख्तसर कह के निकल जाते हैं, तो हसन से आप धोखा ना खाएं। बल्कि अहनाफ भी इमाम तिर्मिज़ी के हसन को सही नहीं मानते, अहनाफ का भी उसूल है। तो मसला ये हुआ कि अहादीसों में जो रफुलदैन करने की हदीस है वो साबित है, जो नहीं करने की है वो साबित नहीं है। इमाम बुखारी ने जुज़ रफुलदैन किताब में लिखा है कि किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है कि उसने रफुलदैन तर्क किया होगा। तो ये जो आप जितनी रिवायत है पेश कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए मौलाना, मैंने तो आपको अहादीस सुना दी है। अहादीस सुनाने से नहीं होगा ना, अहादीस पर अहादीस को हम लेंगे मुहद्दिसीन के उसूल से, हम अहले सुन्नत अहले हदीस है, हम वो नहीं है। हाँ, हम मुहद्दिसीन के उसूल से लेंगे ना, आप भी उसी के मोहताज हैं। इमाम अबू हनीफा जो थे वो ताबई थे। हाँ, क्या थे बताइए? इमाम गुजरे। इमाम अबू हनीफा को आप, मैं बस नहीं, इमाम अबू हनीफा को आप ताबई मानते हैं कि नहीं मानते? तब ताबई है, ताबई नहीं है जी। नहीं, ताबई है। नहीं, ताबई नहीं है, उस पर इख्तलाफ है अपने। हाँ, वो जो भी है वो ताबई भी हो तो वो इमाम ओनीफा के बारे में इमाम तहबी ने लिखा है मीजान में, क्या लिखा है? इमाम आजम अहलुल राय अहलुल इराक, राय कयास वालों के इमाम आजम। हदीस के इमाम नहीं थे, अस्मा रिजाल के इमाम नहीं थे। नहीं, हदीस के इमाम नहीं थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में और आपके जमाने के सहाबा और ताबई के बारे में फरमाते हैं खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। समझ नहीं मारना? नहीं, तो फिर ऐसा मसला होता तो अमीरुल मोमिनीन यजीद को लोग मतून क्यों करते? वो तो इमाम हनीफा से भी पहले, वो तो सहाबा के बेटे हैं, जमाने खैरुल कुरून के हैं, मुसलमानों के खलीफा है अमीरुल मोमिनीन यजीद, लोग उनको मतून क्यों करते? ये आया हदीस से इस्तेलाल करके
नहीं ये अहले ईमान में से जो लोग हैं उनके बारे में फरमाया हुजूर ने, तो मतलब 1400 साल में यजीद के ईमान पर तो किसी ने शक नहीं किया, सब मानते ईमान वाला है। हजरत हुसैन का की शहादत नहीं होती तो यजीद का तो कोई मसला ही नहीं था। यजीद ईमान वाला नहीं था, इस पर तो किसी को इश्काल ही नहीं है, था ही नहीं है, होगा ही नहीं। जबकि आपने हजरत मुआविया के सहाबा के बेटे हैं, उनके घर में पले बड़े हैं, ईमान पर तो किसी ने शक नहीं किया, इमाम अम्बल ने तो उन्हें मोमिन माना है। नहीं ईमान में तो खैर हम रफुल देन पे आते हैं, हम रफुल देन पे आते हैं कि हम रिवायतें वो लेंगे जिनको मुहद्दिसीन ने सही कहा है, क्योंकि मुहद्दिस हम सबीलुल मोमिनीन पर है, फितनों की राह पर नहीं है ना। कि मुहद्दिसीन अपनी अकल से तो हदीस नहीं समझ सकते ना, उसकी सही सनद नहीं समझ सकते, हमें अहवाल नहीं मालूम। जी जी, तो ये जो रिवायत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की आप पेश करते हो ना, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की जो रिवायत पेश करते हो तरगे रफदैन की, इस पर मुहद्दिसीन इकराम ने जराह मुफस्सर कर रखी है। कौन सी जरा? जराह मुफस्सर। मुहद्दिसीन इकराम ने इस हदीस पर जराह मुफस्सर कर रखी है, यानी रिवायत सही नहीं है। कौन सी हदीस पर? अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरगे रफदैन वाली सुनन तिर्मिजी। नहीं मैं उस पर नहीं बहस कर रहा हूँ, मैं अलकमा वाली हदीस पर बात कर रहा हूँ। वो तमाम तर्क वाली रिवायतों पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है वो सही नहीं है, और इसीलिए सही बुखारी और मुस्लिम में नहीं है। जो सही बुखारी में है, कुरान के बाद सबसे अच्छी किताब हमारे नजदीक बुखारी है, फिर मुस्लिम है। अच्छा अच्छा, अगर माना चलिए इसको तो आपने इनकार कर दिया, मुझे मालूम है आप करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि चारों खलीफा जो अबू बकर उमर थे ये क्या करते थे? रफ़ुल्लैन करते थे जी, चारों खुलफा रफ़ुल्लैन करते थे। इसका सबूत है आपके पास? जुज़े रफ़ुल्लैन में इमाम बुखारी लाए हैं। सारे सहाबा से बताए, इमाम बुखारी कहते हैं किसी एक सहाबी से भी तर्क रफ़ुल्लैन साबित नहीं। ये तहकीक पेश कर रहे हैं इमाम बुखारी, जुज़े रफ़ुल्लैन में इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि किसी एक सहाबी से भी तर्क रफ़ुल्लैन साबित नहीं। हाँ तो सुना दें वो हदीस जरा मुझे। अरे क्या बोल रहे हैं, इमाम बुखारी का फतवा है ये जुज़े रफ़ुल्लैन किताब में कि किसी एक सहाबी से भी तर्क रफ़ुल्लैन साबित नहीं। नहीं हजरत मौलाना, मुझे फतवा नहीं चाहिए, मुझे तो हदीस सुना फतवा क्यों नहीं चाहिए भाई? हदीसों की तहकीक पर जो हदीस के तहकीक के मुहक्की है उनको देखा जाएगा कि आप फतवा छोड़ देंगे तो आप कैसे हदीस समझेंगे? अच्छा मुझे बताइए आप, चलिए नहीं नहीं सनद पढ़ी है, सनद पढ़ी सनद अशरे मुबशरा के बारे में कोई दिखा दीजिए। अरे सबसे हदीस है रफ़ुल्लैन की 400 हदीस है। हजरत 400 हदीस को मैं नहीं मानता हूँ, मुझे तो एक आध हदीस बता दें। नहीं मानते तो फिर अब तो बहस ही खत्म हो गई ना। नहीं मानने वाले का तो कोई मसला ही नहीं है, नहीं मानने का तो उसको थोड़ी मनाना हमारा काम है, हमारा काम इतना करना है, नहीं मानेगा उसको छोड़ दो। मौलाना मैं तो किताब व सुन्नत को मानूंगा ना। मैंने तो आपने बोल लिया मैं 400 को नहीं मानता। देखिए आपकी बात में तजाद हो गया, आपकी बात में तजाद हो गया। आपने शुरू में कहा कि रफ़ुल्लैन करने की भी हदीस है और अभी कहते हैं मैं हदीस नहीं मानता, तो आपकी बात में तजाद है। समझे नहीं, ये थोड़ी है रफ़े यदीन में वजाहत नहीं है कि सारे सहाबा करते थे, वजाहत नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सही बुखारी की रिवायत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते रफ़ुल्लैन करते, रुकू से उठते रफ़ुल्लैन करते, सजदों में रफ़ुल्लैन नहीं करते। सही बुखारी की रिवायत इजमाई सही, सहाबी बता रहे हैं नबी का अमल, इससे बड़ी पुख्ता सही रिवायत इस्लामी तारीख में कहीं मिलती है? माना से जवाब नहीं मिल पा रहा है। माना कह रहे हैं हदीस 400, मैं माना मुझे एक भी हदीस आप दिखा दीजिए हजरत। सही बुखारी में बता तो रहा हूँ ना, जिस पर इजमा है, आप भी मानते हो सही बुखारी पर इजमा है, सहाबी नबी का अमल बता रहे हैं, आपके सामने नबी का अमल। मैं तो मेरी बात सुनो यार, तुम यार नासिर बोलते हैं अभी मैं मौलाना से हजरत मौलाना आप जरा एक भी हदीस मुझे ये बताएंगे कि अबू बकर उमर उस्मान अली अशरे मुबशरा ये हजरत फतवा नहीं, मुझे तो कोई हदीस बताइए। हाँ सबसे हदीस है जी, सबसे है। जुज़े रफ़ुल्लैन की किताब पढ़िए आप, जुज़े रफ़ुल्लैन इमाम बुखारी किताब पढ़िए, उसमें है। हजरत मैं तो ये चाहता हूँ कि वो तो मैं पढ़ लूंगा, तो अब आपको हदीस मुझे नहीं, अभी फिलहाल तो अभी देखिए हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, और आप मुझसे अगर मुझसे चाहें तो मैं अपनी वो मैं स्कैन आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह।
मैं ओखले में ही रहता हूँ सनाबिल के पास, समझ रहे हैं, हदीस से मेरी रोज बहस होती है। जी जी तो हाँ, लेकिन देखिए बहस करने, सुनिए, बहस करने के तरीके होते हैं। अगर आपको उसूल नहीं मालूम अहले सुन्नत का, तो आप उसूल पहले सीखे फिर बहस करें, फायदा होगा। हम कुरान हदीस को लेने में मुहद्दिसीन के मोहताज हैं। आप मुहद्दिसीन को छोड़ के कुरान हदीस ले रहे तो अपनी अक्ल से कुछ भी ले लेंगे। हम मुहद्दिसीन के मोहताज तो हो गए, इमामों के मोहताज नहीं हो पाए। अरे मुहद्दिसीन इमाम नहीं है क्या? नहीं तो मुहद्दिसीन इमाम अल हदीस मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी तो इमाम नहीं। वो तो इमाम है, वो तो इतने बड़े इमाम है कि मुज्तहिद आजम है वो। हजरत वाला जिनको तो चारों इमाम जो शेख अब्दुलरहमान अस्सुदैस अश्शुरैम और ये चारों अइम्मा सब मुकल्लिद हैं। फिर आपने एकदम ऐसी बात कर दी है कि जो आलिम लेवल की नहीं है, ये कोई आम आदमी बोलता तो मैं उसको उसकी जबान में जवाब देता। ये मुकल्लिद बोलना शेख असल में गाली है। हम किसी को मुकल्लिद नहीं बोलते, आपको भी हम मुकल्लिद नहीं बोलना अभी तक, क्योंकि इमाम इमाम मुझे भी बना देंगे अपनी लाइन। नहीं नहीं मैंने नहीं बोला ना आपको, हम आपको भी नहीं बोलते ना, क्योंकि आपको मालूम नहीं है तफसीर में तफसीर 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 कहाँ रहते हैं आप? मैं बुरहानपुर एमपी में रहता हूँ। आप तफसीर इतने कसीर खोलिए, तफसीर इतने कसीर खोलिए और उसमें सूरह बकरा आयत नंबर 19-20 की तफसीर पढ़िए। इमाम इब्ने कसीर बताते हैं कि काफिर की दो किस्में होती है, उसमें एक एक किस्म मुकल्लिद होती है। और आपके भाई नहीं आए? भाई नहीं आए? अच्छा बुलाइए उनको। जी बैठ जा। अच्छा मौलाना ऐसा है, मेरा नंबर लिख लें जरा सामने, इस कॉल दे दीजिएगा जरा, मैं बात करता रहूंगा आपसे। लिखिए 97। जी जी हाँ, मिस कॉल दे दीजिए, मैं आपसे बात करता रहूँगा इंशाल्लाह। 97-17-083 166। जी 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 ठीक है ना, इंशाल्लाह इससे बात होगी। मैंने मिस कॉल दे रहे हैं तो मैं नंबर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या सेव करूँ? मोहम्मद अयाज अल मज़ाहिरी अल कासमी। ओके जी चलिए जज़ाकअल्लाह। लेकिन याद रखिए उसूल के हदीसों को मुहद्दिसीन के उसूल से लेंगे, हम अपनी समझ अपने कयास से नहीं लेंगे। मुहद्दिसीन हदीसों को मुहद्दिसीन के उसूल से लेंगे। जी बैठ जाए, चलिए। अस्सलाम ठीक, वालेकुम अस्सलाम।